सरना है कि सनातन है? सरना है कि सनातन है? आदिवासी है कि वनवासी है? आदिवासी है कि वनवासी है? देवरी मंदिर है या देवरी देरी है? देवरी मंदिर है या देवरी देरी है? हिंदू है कि सरना है? हिंदू है कि सरना है? अस्पष्ट हो गया। 2018 में धान का खेत में बुलडोजर चला दिया था योगी का, बुलडोजर उत्तर प्रदेश में बाद में आया, लेकिन पूरा देश में आदिवासी लोग खून दिया, जान दिया, तो जल जंगल जमीन को बचाया। क्या को बचाया? जल जंगल जमीन को बचाया। कोई कांग्रेस कोई बीजेपी भीख में नहीं दिया है। जान लीजिए, हेमंत सोरेन आपको सिद्धू कानू कभी माफ नहीं करेगा। हेमंत सोरेन अगर आप हमारा साथ नहीं दीजिएगा। आज के सभा के हमारे अध्यक्ष और उपस्थित सम्मानीय हमारे धर्मगुरु जी, पूर्व मंत्री देव कुमार धान जी, लक्ष्मी नारायण मुंडा जी और देवड़ी गांव के परंपरागत देवड़ी आदि व्यवस्था के पदाधिकारीगण, गांव वाले और सभी सामाजिक अगुवा यहां उपस्थित, सबको जोहार जोहार। सबसे पहले आप लोग बोलिए, सरना है कि सनातन है? सरना है कि सनातन है? आदिवासी है कि वनवासी है? आदिवासी है कि वनवासी है? देवरी मंदिर है या देवरी देरी है? देवरी मंदिर है या देवरी देरी है? हाँ, अस्पष्ट हो गया। क्या हो गया? अस्पष्ट हो गया। हिंदू है कि सरना है? हिंदू है कि सरना है? अस्पष्ट हो गया। ये हमारा रूढ़िवादी परंपरागत विधि व्यवस्था विधि विधान से पूजा करने वाला स्थान और खतियानी फुटकटी जमीन है। हमारा सभ्यता आस्टिक सभ्यता दरवीर सभ्यता कब का है? माइक लगा लेते हैं। हमारा सभ्यता दरवीर सभ्यता आस्टिक सभ्यता मुगलियन सभ्यता आदिवासियों का सभ्यता कब का है? 70,000 साल पुराना। कब का? 70,000 साल पुराना। ये आर्यन का ये हिंदुओं का सभ्यता कब का है? 10,000 साल पुराना। वो भी बाहर से आया, विदेश से आया कि नहीं आया? तो अस्पष्ट है। हम लोग देश का मालिक है, हम लोग देश का मालिक है, धरती पुत्र है और हम लोग से अन्याय नहीं चलेगा। और ये अधिकार हम लोग ने कब लिया है? 1874 में बिरसा मुंडा आंदोलन किया, हजारों मुंडा ने जान दिया। सिद्धू कानू आंदोलन किया, हजारों संतानों ने जान लिया। कोल विद्रोह में जत्था टंडन भगत, बीरगुदु भगत, रानी दुर्गावती, टाटिया मामा, पूरा देश में आदिवासी लोग खून दिया, जान दिया, तो जल जंगल जमीन को बचाया। क्या को बचाया? जल जंगल जमीन को बचाया। कोई कांग्रेस कोई बीजेपी भीख में नहीं दिया है। अंग्रेज से लड़के हम लोग पुरखा लोग लिया, दिया कि नहीं लिया? दिया कि नहीं लिया? अंग्रेज को भगा सकते हैं, विदेशी को भगा सकते हैं, ये क्या मामला है? एकजुट होंगे हम लोग, सबको नेस्तनाबूद कर देंगे और धरती के मालिक हम लोग हैं। और स्पष्ट है, कानून का बात हो गया है, संविधान का बात हो गया है, सारा पीच स्पष्ट हो गया है। हम यहाँ के मालिक हैं, वो जमीन हमारा है। और जो रणनीति की बात है, सबसे पहले रणनीति बनाइए। ग्राम सभा भारत के संविधान का 13(3) के तहत रूढ़ी का विधि का बल है, संविधान है। और ग्राम सभा में शक्ति प्राप्त है। ग्राम सभा करके डीसी को निर्देश दे, एसडीओ को निर्देश दे, झारखंड सरकार को निर्देश दे कि हमारा अधिकार वापस करे। दूसरा, जो भी अन्य संगठन बुंडू बंद करा रहा है, रांची बंद करा रहा है, उसका सामाजिक बहिष्कार करे, सामाजिक बहिष्कार करें, जैसे कि कुंजवीसी मुंडा जी ने हमारे बताया है। एकदम 1 रुपया का सामान कोई बुंडू बाजार में खरीदेगा? कोई खरीदेगा बुंडू बाजार में? नहीं, कोई खरीदना नहीं है। सारा बुंडू बाजार में, तमार बाजार में नहीं खरीद रहा है आदिवासी। हम लोग आदिवासी दुकान में खरीदेगा। हम लोग को दिमाग से लड़ना है और संगठित होकर लड़ना है। और जो भी रणनीति यहाँ बनेगा, जो भी रणनीति हम लोग बनाएंगे, स्पष्ट है हम लोग रणनीति के साथ चलेंगे, हम लोग जीतेंगे। आपको बताना चाहेंगे, संथाल पाना का मामला, हम लोग का मोदी साहब प्रधानमंत्री का दोस्त अडानी, आप लोगों ने देखा होगा 2018 में धान का खेत में बुलडोजर चला दिया था योगी का, बुलडोजर उत्तर प्रदेश में बाद में आया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का बुलडोजर, अडानी का बुलडोजर हम लोग आदिवासी जमीन छीनने के लिए गोड्डा में जो अडानी जो पावर प्लांट लगाया था, पूरा आदिवासी गांव का धान का खेत को खत्म कर दिया था। हम लोगों ने
राज्यपाल महोदय द्रौपदी मुर्मू साहब थी, उनको पिटीशन दिया। क्या दिया कि भारत का संविधान के 244 के तहत गोड्डा जिला आता है, उसका परहेट प्रखंड। उसके बाद दूसरा कि एसपीटी एक्ट की धारा 69 के तहत यहाँ पे ना लीज होगा, ना डीड होगा, ना बिक्री होगा, ना बंदोबस्ती होगा। अडानी कैसे ले लिया हम लोग का जमीन, उसको एक सप्ताह के अंदर छोड़ दिया, खाली कर दिया। अडानी भी हारेगा, आदिवासी के पास 10 पैसे का पन्ना में अच्छा से लिख के देंगे, अडानी भी हारेगा और झारखंड सरकार भी झुकेगा। और जान लीजिए हेमंत सोरेन आपको सिद्धू कानू को भी माफ नहीं करेगा। हेमंत सोरेन अगर आप हमारा साथ नहीं दीजिएगा, विकास मुंडा आप भी सुन लीजिए, आपको भी हमारा बिरसा भगवान रो रहा होगा, आप जो दिकुलों के साथ जा रहे हैं। विकास मुंडा और हमारे जितना नेता लोग जो हम लोग का साथ नहीं दे रहा है, समझ जाइए कि हमारा पुरखा बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, जत्रा टाणा भगत, वीर भद्र भगत, ऊपर में भी शांति नहीं होगा। उन लोग खून दिया हम लोग अधिकार देखने के लिए, लेकिन ऊपर से देख रहा होगा, देख के बता रहा है कि हम लोग का जमीन लुटा रहा है, हम लोग बर्बाद हो रहे हैं, हमारा जो पुरखा लोग जो जान दिए हम लोग उसको रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। इसका कौन है जिम्मेवार, जिसको हम लोग आगे बढ़ाए हैं, जिसको नेता बनाए, जिसको शासन दिए, जिसको प्रशासन दिए। आप आगे उलगुलान करने का उलगुलान करेंगे कि नहीं करेंगे? उलगुलान करेंगे कि नहीं करेंगे? बहुत सारे वक्ता हैं, आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सबको जय मारंग गुरु, जय धर्मेश। और संथाल पटना से भी आए हुए लोग, उन लोगों को बोलने का मौका दीजिए ताकि लगे पटना से भी लोग आए हैं, बिहार से भी समर्थन देने आए, उनको भी आज के सभा में बोलने का मौका मिलना चाहिए। इतना बोलकर मैं फिर से जोहार बोलते हैं।